लगवाती हैं आराम से मेहंदी, यहाँ पर लगवाने आई है। मैंने आपको टेबल बनने को नहीं बोला है। कैमरा बंद करो भाई। एक्सेप्ट करता हूँ, बट एक्सेप्ट करने से पहले मैं रीशु को और आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूँ कि भाई जैसे स्टॉप रिज्यूम के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई इस चैलेंज को मैं हारूंगा नहीं। मतलब अगर इसने कुछ गंदा करा मेरे ऊपर, बोला कि गंदा करो और वो मैं मना कर देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं चैलेंज हार गया। घूम नहीं सकता क्योंकि भाई पहले स्टॉप रिज्यूम में आप लोगों ने देख लिया होगा। पहले बता देता हूँ मैं गाइस आपको, ठीक है, अगर इसको कोई चीज़ नहीं एक्सेप्ट करनी होगी वही पर मना कर देगा, वो हम सबका तब सोचेंगे। पर अभी आप लोगों का काम है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक बने रहना। तो जो चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे चलकर, तब तक के लिए बाय। सो गाइस हमारे साथ में कौन कौन है, हमजा भाई एंड अमान भाई और रीशु को तो आप जानते ही हो। तो आज रीशु बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको पता नहीं होगा, ये मुझे दिख रहा है सही में। तो गाइस सुनो, आपको लोगों को एक और बात बता देते हैं, तो उन सबको भी, अभी मेरी एक और फ्रेंड आने वाली है। कौन सी फ्रेंड? अब कौन सी फ्रेंड है, क्यों आने वाली, जो भी बात है ये आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगी। आगे चल के तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहो, तुम लोग भी मेरे साथ बने रहो, तो मिलते आगे चल के। सो गाइस फाइनली मेरी फ्रेंड यशिका आ चुकी है, तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैंने इसको क्यों बुलाया है ये मैं आप लोगों को वहाँ चलकर ही बताती हूँ, उन लोगों के साथ। तो वो लोग वहीं पे बैठे सामने, तो चलो आ जाओ यशिका, आ जाओ, उन लोगों के साथ मिलकर ही आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इन लोगों को क्यों बुलाया है, मतलब इसको मैंने क्यों बुलाया है, तो इन लोगों के भी रिएक्शन देखते हैं। तो चलो देखो, आप लोगों को दिख रहे होंगे ये लोग बैठे हुए। हाय, तो फाइनली जस्टिन आपको देख रहा है मेरी फ्रेंड आती है। तो ये क्यों आई है पता है आपको? क्या पता, तुमने बुलाया तो भाई, तो मैं बता देती हूँ क्योंकि अभी तक मैंने पब्लिक को भी नहीं बताया। तो मैंने इसको यहाँ पे बुलाया मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था घर पे लगवाने के लिए। लगवा लो तो गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार चैलेंज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मेहंदी लगवाएगी और मैं गाइस वही तो ट्विस्ट है, वही तो ट्विस्ट है, मैं चैलेंज करूंगी तो उसका पूरा साथ मेरा तुम दोगे ना, क्योंकि मैं मेहंदी लगाऊंगी, मेरे को 10 काम होंगे 100 काम होंगे पर मेरे हाथ तो भरे हुए होंगे, तो मैं कुछ काम तो कर ही नहीं सकती। ये चीटिंग है, तो गाइस सुनो सुनो, मैं मेहंदी लगाऊंगी तो जब तक मैं मेहंदी लगाऊंगी तब तक के लिए मेरा हाथ बनेगा जस्टिन, दोनों हाथ। ओके बेबी, तो गाइस हम लोग आपको मिलते हैं, जहाँ पे हम मेहंदी लगाएंगे वहाँ बैठकर हम आप लोगों को मिलते हैं। तो जस्टिन वो चीज एक्सेप्ट करता है नहीं करता है आप लोगों को वहीं चलकर बताते हैं, तो वीडियो में बने रहो। गाइस सब एक साथ मिल चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हो, तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं, तो ये जाने वाली है मेहंदी लगवाने के लिए। तो मैं रेडी हो चुका हूँ आगे चलने के लिए, बट एक शर्त रखी है मैंने आप लोगों से भी और इससे भी, जो शुरू में बता दी थी मैंने कि अगर कुछ गंदी चीज़ करवाती है रीशु तो वो मैं नहीं करूँगा, तो उसको आप लोग वो मेरी हार मत बोलना, ना रीशु बोले, ये मैं पहले ये चीज़ बताते हुए तो चल रहा हूँ। ना हाँ हाँ, तो मैं हारूंगा नहीं ना, आप लोग ये मत बोलना कि मैं हार गया, क्योंकि वो गंदी चीज़ है वो मैं करूँगा नहीं, जो चीज़ मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे कि इनने वॉच मांगी मैंने दे दी, ठीक है, अब ये बोल रही है कि मेहंदी लगवाऊंगी उसके बाद मैं पानी मांगूंगी या कुछ भी मांगूंगी तो तुम्हें खिलाना पिलाना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है फिर। तो अब ये कहाँ लेकर जा रही है नहीं पता, तो पूछते हैं कहाँ लेकर जा रही हो भाई साहब। अभी हम दिल्ली हाट के अंदर जा रहे हैं। अभी दिल्ली हाट के अंदर या बाहर? मतलब दिल्ली हाट के वही बाहर। तो गाइस चल लेते हैं फिर, रीशु लगवाएगी मेहंदी, फिर आप सबसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो हम दिल्ली हाट के अंदर आ चुके हैं, तो गाइस हम यहीं पे बैठ के मेहंदी लगवाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो ये हमारी मेहंदी और हम जिससे भी साफ करेंगे वो ये रहा, और मैंने
अपने बाल भी बांध लिए ताकि मेरी मेहंदी से बाल मेरे गंदे ना हो। तो आप लोग सोच रहे होगे कि जस्टिन कहाँ है, तो गाइस जस्टिन बाहर है मान भाई के साथ। हमने उसको टाइम दे के तुम 10 मिनट तक रिलैक्स कर लो, जितने तुम्हें मजे करने 10 मिनट में कर लो, उसके बाद जब तक मेरी मेहंदी नहीं खत्म होगी तुम मेरे पास ही बैठे रहोगे। तो उसने बोला चलो ठीक है, मेरे को 10 मिनट तो दे दो चैन से। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो अभी मेरा शूट कर रहे हैं हम तो, और ये जैसी को तो मेरी मेहंदी लगाने स्टार्ट कर रही है। चलो मिलते हैं मेहंदी स्टार्ट करने के बाद। और इसके लिए भी लेकर आया हूँ और ये खा चुकी है। पर गाइस मैंने अपने हाथों से खाया, मेरे यार उस टाइम पे खा लेता। हाँ तो खाया है ना, मैं लेकर आया हूँ ना। मेरे ना भी हाथ टूट रहे हैं, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब नहीं लग रहा। आप इतना काम पे खाना दिखाने के लिए मैं दिखा तो दो अब। वाओ क्या नाम है, इनका नाम भूल जाता हूँ। अच्छी लगाई है, अच्छा लगा देख। हाँ और आपको और भी अच्छा लगेगा देखकर। उठो पानी लाओ, उठो पानी लाओ, मत करो, मेरे को प्यास लगी है अभी। गाइस अभी आगे बैठा हूँ मैं। हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी जल्दी, हाँ या ना, हाँ या ना, उठो जल्दी। गाइस ये पानी लेकर आ जाओ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। पानी को अपने हाथों से पिलवाऊंगी, अब देखते जाओ आप लोग बने हो मेरे हाथ टूट गए। तो गाइस फाइनली ये बंदा पानी लेके आ चुका है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, चलो पानी पिलाओ। पानी पिलाओ गाइज, मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकता, पानी लेकर आ चुका हूँ, सब पी चुका है, लेकिन इसने अभी तक नहीं पिया। अब इसकी मर्जी है, एक हाथ खाली है, पी सकती है। पानी पिलाओ, हाँ या ना। अब ये रिशु, हाँ या ना, पानी पिलाओ। डॉक्टर बुला लो, डॉक्टर बुला दूंगी अब। पानी पिलाना है ना, ना नीचे हाथ लगा सकती है ना अपना। मैं लगा रही हूँ, आराम से मेहंदी यहाँ पर लगवाने आई है। अबे काम करो, पीछे टेबल बन के बैठो, मेरे थोड़ा दर्द हो रहा है। टेबल बन के बैठो यार, एक मिनट रुक जा, मेरी मेहंदी ना खराब होगी ना, मैं मार दूंगी जान से। टेबल बन के बैठो, मेरे आपको टेबल बनने को नहीं बोला है, ठीक है यार। अच्छी खड़ा करवाओ, मेरी मेहंदी खराब हो रही है। मान भाई खड़ा करवाओ इसको, सही से फॉर्म वॉर्म भी लगा दे, सोफा लगा दे पूरा यहाँ पे। अरे बंद करो, पीछे की पीठ दिखाओ, चलो और पीछे आगे आओ। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ा, हाथ ये वाला कंप्लीट होने के बाद। नौकर बना लिया अभी, अभी हटी है, ये बोल रही है कुछ नहीं करवाया, टेक लगा के जब से ही बैठी हुई है अभी हटी है। तो एक हाथ की इसकी मेहंदी पूरी हो चुकी है, जब हटी है। सुनो अब वो ना बैग पड़ा इधर, एसी आ गया, उसमें से जाओ रजिस्टर निकालो, गो कुत्ता हूं क्या, गो गो जाओ। अरे मेरे बाप, रुक जाओ, अच्छा बाप से बाप रजिस्टर निकालो। जस्टिन कैसा लग रहा है भाई? मैं तो एक वो बना हूं इसका। सुनो पहले इधर नाक, इधर नाक पे जहां पे बाल आ रहे हैं, बाल लगा के दिखा रही हूं तुझे। ऊपर, अरे ऊपर ऊपर ऊपर, आपकी बात इधर
फेशियल का सामान भी ला देता हूँ, मुझे हवा करो, गर्मी लग रही है। अभी 10 मिनट बाद पूछेंगे जब हाथ दुखेंगे ना। अरे टाइट। अच्छा ठीक। अब एक बाल भी नहीं उड़ रहा मेरा। जितना मेरे से हुआ मैंने कर दिया, मेरे हाथों में ना बहुत ज्यादा दर्द हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, जितना हुआ मैंने करा, ये मना नहीं करा मैंने। के चक्कर में ना मेरी मेहंदी साथ में मेरे को बेल लगवानी पड़ रही, काम नहीं करके राजी एक भी। सारे काम कर रहे हैं अभी, इनने पानी के लिए बोला, फिर कंधे पे आधे घंटे बैठ गई, उसके बाद में हवा करवा रही है, सब कुछ करा गाइस, कमेंट करना, मैंने हार नहीं मानी। चाहे मैं काम इससे कम करवा रही हूँ, ईमानदारी से बताऊँ, मैं काम कम करवा के ना आधा आधा घंटा ले रही हूँ। तो गाइस मैंने अभी कुछ सोचा, एक बार मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाए, फिर बाहर चल के आपको मिलते हैं एक और चीज के बाद। तो गाइस फाइनली मेरी पूरी मेहंदी लग चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और यशिका थैंक यू सो मच मेरी मेहंदी लगाने के लिए, इतनी अच्छी। और जिसको भी यशिका से मेहंदी लगानी हो तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी है yashika_sh, उसको मैसेज कर देना, वो आप लोगों को बता देगी। और अभी जस्टिन बाहर गया, अमान भाई के साथ मेरा शूट हमजा कर रहा है। तो गाइस अपना मेहंदी लगवाने के बाद ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसको भी लग रही है, मेरे को भी लग रही है, मैं तो खा नहीं सकती। तो चलो आपको वहाँ भी मजे दिलवाती हूँ, इतने आपने मजे नहीं करे होंगे अभी तक। तो चलो फिर बाहर चल के मिलते हैं। पूरे बालों में करो, पूरे बालों में तेज की, करो ना तेज की, पूरे बालों में पूरे। जस्टिन छू छुड़ैल लग रही है, मैं भी करवा लूंगी वो, तुम करो। क्या दिन आ गए जस्टिन, नीचे नीचे पूरे बालों में टाइट की करो ना, नीचे तो करो, देखो यहां करो, यहां यहां करो, मेरा आया है कम कर लो। सच बता रहा हूं बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ भी करवा, गाइस इसलिए कुछ भी करवा, मेरा पूरा कर दे। अरे बीच में करो यार, हां करो। जस्टिन पार्लर खुलवा दूं, दे दे की करो, जिसको भी जस्टिन से मसाज लेनी हो डीएम कर देना भाई। अब एक एक बस अभी करवा रही हूं, बंद करवा रही हूं, इधर कर लो इधर, कैमरा बंद करो भाई ना, नहीं रुको थोड़ा बना भाई, व्लॉग में क्या डालेंगे, रुको मैं कर दूं कैसे, अब बनाओ खाना, वो खाना करो, पूरा कर लिया अब, एक मिनट, हां अब बोलो बोलो लो, ऐसा करके बोलो बोलो, क्लचर लगा दो यशिका, क्लचर लगाइयो, तो फाइनली गाइस देख सकते हो हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं और रिशु के लग चुकी है पूरी मेहंदी, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो गाइस देख लो रिशु के लग चुकी है मेहंदी, पीछे करके दिखाओ, तो कैसा लग रहा है रिशु मुझे आज इतना परेशान करके, मेरे को यार सच बताऊं ना, मैं तुमको कोई परेशान नहीं कर रहा है, हाँ। तुमने मेरे से पंखा करवाया, एक घंटे मेरे टेक लगा के बैठी नहीं, ये काम है, और घड़ी ले ली थी मेरी, और क्या। तो गाइस यशिका को थैंक यू बोलना चाहूंगा, फालतू मत बोलो ठीक है। और ये रहे हमारे अमान भाई और हमजा भाई, अब हम आए हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए, तो अब मैं लिट्टी चोखा खाऊंगा और रिशु को बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि अब जो था दिन दिन का था चैलेंज अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया, अब रिशु को नहीं खिलाऊंगा, रिशु कैसे खाएगी ना, इन लोगों को खिलाने दूंगा, तो मैं खुद खा जाता हूँ। तो अभी आ चुका हमारा लिट्टी चोखा, हम ले लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, एक नंबर टेस्ट आ रहा है इसका, यार दे दो ना, क्या मैं कुछ भी कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, नहीं खिला रहे ना, हर जाके नहीं खाऊंगी मैं यहाँ पे, तो ब्लॉग को तुम हार जाओगे, एंड कर दूंगी मैं, क्या मैं हार थोड़ी ना रहा, मैं तो खा रहा हूँ खाने की जोर के बाद, कितना बदतमीज़ कह रहा, खुद देख सकते हो, कैमरा पास करना, कैमरा पास करो, सिर्फ लिट्टी लिट्टी खिला रहा है, सब्जी इसने डाली नहीं उसके अंदर, पूरे एक लिट्टी खा दूंगा, इतना गंदा है ये, दे दो यार, हम तो देते हैं।
आओगे? अरे उसके हाथ में जस्टिन के हाथ में बना हुआ रखा है। मेहंदी क्यों लगवाई और खाना क्यों है? खाओ मत जब मेहंदी लगवाई है तो। पॉइंट। तो गाइस मैं खिला देता हूँ अभी से। नहीं यार मैं खिला दूंगा। तो भाई आगे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तो खिला देता हूँ मैं। तो भाई खिलाएगा ना तो ना अगले डे में बुलाओगे आप लोगों को? नहीं खिलाया, नहीं खिला दूंगा। तो मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी आपने पिछले इंट्रो में देखा कि हम कुछ खा रहे थे और मैं रिशु को खिला नहीं रहा था, तो भाई मैंने खिला दिया था। तो भाई अब हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन, तो अब हम जाने वाले हैं घर घर। तो रिशु रुको, कैमरा पकड़ने ये नाम है बस ऐसी नाम ढूंढना है इसमें लिखा हुआ है ना पक्का थोड़ी ना बिना पक्का लिखा हुआ है या नहीं किसमें ये बता किसमें तो है अब इसमें अक्कड़ बक्कड़ खेल लो भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे टू 80-90 पूरे 100 मतलब ये निकल गया तो इसमें पकड़ सकता हूँ नहीं कहाँ है पीछे से गीली है हाथ उठा लो पीछे घुमाओ इस साइड घुमाओ साइड घुमाओ साइड घुमाओ इस साइड घुमाओ इधर ये रहा गाइस मैंने ढूंढ लिया दिखाओ 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 एक बार बहुत ज्यादा चीटिंग करने वाली थी ऐसे ऐसे करके आप सोच रहे हो किस आदमी का नाम लिख लिया तो मैं आपको बता देती हूँ उसका रियल नेम है मोहम्मद यूसुफ इदरीस हाँ जी गाइज मेरा रियल नेम ज़्यादातर किसी को नहीं पता तो आज की वीडियो में आपको मेरा रियल नेम भी पता लग गई की वजह से तो मेरा रियल नेम है मोहम्मद यूसुफ इदरीसी तो गाइज आज का व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो चुका है तो गाइज अब हम अपने घर घर चलते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो हमें लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय रुको 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 भाई देखो गाइज जितना इसने आज बोला था मैंने कर लिया लेकिन अब मैं इससे बोलना चाहूंगा कि मैं जब चैलेंज मैं करूंगा लेकिन इनने तो आज छोटा मोटा चैलेंज करा ठीक है मैंने क्योंकि पहले ही बोल दिया था कि मैं इतना वैसा उल्टा सीधा करूंगा नहीं लेकिन मैं चैलेंज बनाऊंगा उसके लिए रेडी होनी चाहिए ओके पब्लिक ओके गाइस आप लोगों के लिए तो गाइस इस ब्लॉग को ना ज़्यादा लंबा करते हुए एंड करते हुए तो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।